एवरीवन, द सोल किचन चैनल के प्यारे प्यारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज सोल किचन में बनने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल चिली गार्लिक पोटैटो नगेट्स, बहुत ही इजी रेसिपी के साथ, बहुत ही डिलीशियस। तो चलिए बनाते हैं, कुक टेस्टी कुक स्मार्ट। चिली गार्लिक पोटैटो वेजीज बनाने के लिए सबसे पहले हम कच्चे आलू को लेंगे, उसको अच्छे से हमने पील कर लिया है, छील लिया है। पोटैटो वेजीज शेप में काटने के लिए देखिए, सबसे पहले एक आलू इस तरीके से लेंगे, इसको सेंटर में हम सबसे पहले कट करेंगे, देखिए इस तरीके से। उसके बाद फिर एक बार सेंटर से फिर कट करेंगे और देखिए इसके बाद इसको एक बारी फिर हम सेंटर से इस तरीके से कट करेंगे। मैं एक बारी फिर कट करके बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये हाफ आलू लिया, इसको हम सेंटर से कट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद इसको फिर हम सेंटर से कट करेंगे और इसको भी हम सेंटर से कट करेंगे। प्रॉपर पोटैटो वेजीज की शेप है। अब हम अपने सारे आलू इसी तरीके से कट करके रखेंगे, होगा वो रख लेंगे। अभी सारे आलू को कट करने के बाद हम इसको एक पानी के बोल में डालेंगे ताकि इनका जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। और इसको अच्छे से इस तरीके से 5 से 7 मिनट तक के लिए हम इसमें भीगे रहने देंगे। 5 से 7 मिनट बाद ठंडे पानी से इसको हम इधर बॉयल वाटर में डालेंगे। ये देखिए पानी यहाँ पर गर्म है। अब हम इसको धीरे से इसमें डालेंगे और यहाँ इस स्टेज पर आके हमने पोटैटो को 50% तक कुक करना है। गैस का फ्लेम मीडियम रहेगा। इसको बॉयल करते समय एक छोटा चम्मच जाएगा इसमें नमक का। अब देखिए यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे आलू हमारे 50% तक कुक हो चुके हैं। अब हम इसको बाहर प्लेट में निकाल लेंगे और इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए हम इसको प्लेटफॉर्म पर छोड़ देंगे। ये पोटैटो को कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद अब हम इसको इस तरीके से प्लेट में ही फैलाए रखे रहने देंगे। अब इस पर देखिए थोड़ा सा जाएगा गेहूँ का आटा, इसको हम डस्ट करेंगे। मैं इसको मैदे में नहीं बनाऊंगी आज। थोड़ा सा जाएगा चावल का आटा, थोड़ा सा इसको हल्के हाथ से हम करेंगे मिक्स। छोटा आधा चम्मच जाएगी काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच ओरिगेनो, जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं, और आधा चम्मच जाएगा हर्ब्स, ये गार्लिक हर्ब्स है। अगर नहीं आपके पास तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा इसमें मैगी का मसाला भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल मैं आपको बता रही हूँ। अगर नहीं है हर्ब्स तो आप मैगी मसाला डाल लीजिए। इसको हल्के हाथों से इस तरीके से हम करेंगे मिक्स और हल्का सा स्वाद के हिसाब से जाएगा नमक, इनको मिक्स करेंगे। अपने ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से कोट करने के बाद देखिए इधर यहाँ फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल गर्म करने रखा है। अब हम इसको पोटैटोज़ को इसमें डालेंगे इस तरीके से। यहाँ पर गैस के फ्लेम को हमें लो नहीं रखना बल्कि हमें मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे इनको। देखिए दोनों साइड से अच्छे से सिक जाने के बाद हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरीके से। वैसे तो देखिए पोटैटो वेजीज हमारे बनके बहुत ही क्रिस्पी मसालेदार बनके रेडी हैं, लेकिन क्योंकि आज हम इसको चिली गार्लिक करके बनाएंगे इसीलिए मैं आपको एक और इसके साथ जोड़कर एक मेथड और बताऊंगी। अब देखिए एक लेंगे फ्राई पैन, उसमें जाएगा थोड़ा सा बटर, बटर को मेल्ट हो जाने देंगे। बटर मेल्ट होते होते यहाँ पर देखिए मैंने 3 से 4 लहसुन लिया है, इसे डालेंगे। इसको बटर में करेंगे अच्छे से मिक्स। थोड़ी सी जाएगी काली मिर्च, थोड़ा सा जाएगा चिली फ्लेक्स, इसको भी करेंगे अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा जाएगा नमक, थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, इसको भी करेंगे अच्छे से मिक्स। अब देखिए स्टेज के बाद जो हमारे पोटैटो वेजीज रेडी थे इसको डालेंगे और इसको हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। ये खाने में बहुत ही स्वाद लगते हैं, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। सॉस के साथ, केचप के साथ, किसी भी चटनी के साथ इसको सर्व कीजिए। हमारे गर्मा गर्म चिली गार्लिक पोटैटो वेजीज बनके रेडी है। अब ये देखिए हम इसको चाय के साथ सर्व करेंगे।
टेस्टी चिली गार्लिक पोटैटो वेजेस की इस रेसिपी को बच्चों के लिए एक बार ट्राई जरूर कीजिए। वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मैं जल्दी ही मिलूँगी आपसे कुछ डिफरेंट टेस्ट के साथ, कुछ डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल।